दरम्यान एन्काउंटर स्पेशलिस्ट अशी ओळख असलेले माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांनी विकास दुबेचं एन्काउंटर अगदी योग्य असल्याचं म्हटलंय आणि याच गुन्हेगारानं जेव्हा 8 पोलिसांची हत्या केली तेव्हा ऍक्टिव्हिस्ट कुठे गेलेले होते असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय. आज जो यूपी पोलीस ने विकास दुबे का एन्काउंटर किया है उसके बारे में मेरा मानना है कि एक जेन्युइन एन्काउंटर है. ऐसे शातिर अपराधी को जिन्होंने एक ही गो में 8 ऑफिसर्स मार डाले थे वो यही डिजर्व करता है. रहा सवाल उसका कि फेक है कि जेन्युइन है, तो मेरा मानना है कि ये जेन्युइन एन्काउंटर है और जो भी उस पर सवाल उठाएगा, उठा रहा है, उठाएगा. जब 8 ऑफिसर्स मरे थे तो कोई भी एक्टिविस्ट सामने नहीं आया था, ना आएगा. लेकिन अगर पुलिस कोई अच्छी कार्रवाई करती है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं. मुंबई पुलिस में रहते हुए मैंने भी कई ऑपरेशंस किए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर 13-14 घंटे उज्जैन से निकलने के बाद वो ड्राइवर कानपुर तक पहुंचता है तो डेफिनेटली वो थक गया होगा. बारिश का सीजन है, गाड़ी उल्टी हो गई. चांस मिला तो विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और भागते भागते उसने पुलिस की वेपन छीना, 4 पुलिस वालों पे फायरिंग किया. उसमें वो लोग भी इंजर्ड हैं. सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायरिंग की